ट्रायल में हर गवाह को तोड़ा जाना जरूरी होता है, क्योंकि 100 में से केवल 3 एडवोकेट ही ऐसे मिलते हैं जो गवाह को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, जो गवाह से वही जवाब ले सकते हैं जो कि वो लेना चाहते हैं। बाकी के 97% एडवोकेट पहले तो क्रॉस को बिगाड़ देंगे, फिर क्लाइंट को लेकर अपेलेट कोर्ट्स में चक्कर लगाएंगे। क्लाइंट भी खुश रहता है कि देखो वकील साहब बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, और वकील साहब भी खुश रहते हैं कि बिना मेहनत के ही अच्छी कमाई हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर एडवोकेट को सही क्रॉस की विधि सीख लेनी चाहिए। आज हम सवाल पूछने की कला पर यह वीडियो देखने वाले हैं। झूठे आरोपों में रेप के आरोप सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए हम एक रेप ट्रायल पर ही चर्चा कर लेते हैं। आरोप है शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाएं, अब शादी करने से मना कर रहा है। आधे से ज्यादा एडवोकेट आते ही सजेशन देंगे कि तुम झूठ बोल रही हो, आरोपी ने तुमसे शादी करने का वादा कभी नहीं किया। और जवाब में महिला कहेगी कि आरोपी ने वादा किया था। यहां इस पॉइंट पर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि तकनीकी रूप से चीफ और क्रॉस दोनों में समान बात की पुष्टि हो रही है। महिला ने दोनों जगह कहा है कि आरोपी ने वादा किया था, तो पूरे केस को खराब करने के लिए यह अकेला सवाल ही पर्याप्त है। इन वकील साहब के क्लाइंट को कारागार जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। जेल में अनेक कैदी रोते हुए मिलते हैं कि वकील साहब ने मरवा दिया, तो ये वही वाले क्लाइंट होते हैं। कुछ एडवोकेट्स इनसे बेहतर होते हैं, वो सजेशन देने की बजाय प्रश्न पूछेंगे। देखो तुमने कोई दिन दिनांक वे समय नहीं बताया है जब आरोपी ने तुमसे शादी का वायदा किया हो, और महिला तपाक से उत्तर देगी 20/5/2013 को पहली बार शादी का वायदा किया था, फिर 9/7/2013 को, और उसके बाद 17/9/2013 को भी किया था। गुस्से में आकर वकील साहब कहेंगे मेरा कहना है कि तुम झूठ बोल रही हो, और महिला कहेगी कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बता रही हूँ। और इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम फिर से वही हो जाएगा, यानी कि कारागार की तैयारी। आप देखोगे कि इन दोनों उदाहरणों में से किसी ने भी गवाह की जबान पर लगाम नहीं लगाई है, गवाह अपनी मर्जी से उत्तर दे रहा है, तो गवाह के उत्तर गवाह की मर्जी से आ रहे हैं, वकील साहब की मर्जी से नहीं आ रहे हैं। किसी क्रॉस को अच्छा या बुरा कहने का एक आधार होता है। क्रॉस में उत्तर यदि गवाह दे रहा है तो वह क्रॉस निम्न श्रेणी का क्रॉस है, आरोपी को सजा करवाने वाला क्रॉस है। लेकिन यदि क्रॉस में उत्तर गवाह नहीं दे रहा है बल्कि वकील साहब उत्तर ले रहे हैं, तो वह क्रॉस उत्तम श्रेणी का क्रॉस होता है। उत्तर दिया जाए तो सब बेकार, उत्तर लिया जाए तो सब शानदार। जैसे कोई परफेक्ट क्राइम नहीं होता है, वैसे ही कोई परफेक्ट झूठा गवाह नहीं होता है। हर झूठा गवाह टूट जाता है, बस सवालों के प्रकार अलग अलग होते हैं। कोई गवाह आपसे ना टूट रहा हो तो इंडियन लीगल सिस्टम को बताएं, उसका तोड़ हम आपको अवश्य दे देंगे। क्रॉस के दौरान एडवोकेट के प्रश्न ऐसे ही होते हैं जैसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए सवाल होते हैं। परीक्षा में उत्तरों के 4 विकल्प होते हैं, लेकिन क्रॉस के दौरान पूछे गए प्रश्नों के केवल 2 विकल्प होने चाहिए। गवाह की आजादी को खत्म करना एडवोकेट का पहला लक्ष्य होता है। गवाह से पूछो, यह बात तो सही है ना कि आपने अपनी शिकायत में ऐसा कोई दिन दिनांक व समय नहीं बताया है। इस सवाल के जवाब में गवाह के पास हाँ या ना कहने के अलावा कोई विकल्प अन्य रूप से उपलब्ध नहीं होता। दूसरा सवाल पूछें कि यह बात तो सही है ना कि आपने शादी के वादे की तारीख का जिक्र पहली बार अपने बयान 164 में किया था, जो शिकायत के 12 दिन बाद दर्ज किए गए थे। यहाँ फिर से गवाह के पास 2 ही विकल्प हैं, हाँ या नहीं। यह बात भी सही है ना कि बयान 164 में भी आपने शादी की बात का वर्णन केवल 22/5/2013 को ही किया है, किसी अन्य तारीख का वादा आपने नहीं बताया है। यह बात भी सही है ना कि 9/7/2013 या 17/9/2013 की तारीखें आपने ना शिकायत में कही हैं और ना ही बयान 164 में कही हैं। आप पाएंगे कि गवाह के मुंह पर ताला पड़ गया है। जितना पूछा जाता है गवाह उससे अधिक उत्तर नहीं दे सकता है। गवाह के पास उत्तर देने के लिए केवल 2 विकल्प मौजूद होते हैं, और क्योंकि सवाल
केवल और केवल रिकॉर्ड के साथ तुलना करके पूछे जा रहे हैं तो गवाह कौन से विकल्प का उत्तर देगा यह भी हमको पहले से पता है, यानी कि हमको पहले से पता है कि हमारे प्रश्न का क्या उत्तर आने वाला है। यदि गवाह रिकॉर्ड से बाहर जाकर उत्तर देता है तो फिर आप गवाह को कन्फ्रंट कर सकते हैं कि दिखाओ वह उत्तर कहाँ है जो आपने दिया है, और वह उत्तर रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं मिलेगा, गवाह कन्फ्रंट हो जाएगा। एक अन्य प्रकार के सवाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में होते हैं। आपको पता ही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दो भाग होते हैं, एक तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होता है, जैसे लाठी पर खून लगा मिलना कि इस लाठी से सिर फोड़ा गया था, और दूसरे होते हैं आईओ को दिए गए बयान कि यह वाली लाठी आरोपी ने मृतक के सिर पर मारी थी, यह बात बताई जाए। इन दोनों पर अलग अलग तरह से सवाल बनाए जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट को हमेशा ही कोरोबोरेशन के आधार पर तोड़ा जाता है। कोरोबोरेशन ना होने के आधार पर हम उसको डिस्प्रूव कहते हैं कि वह फैक्ट डिस्प्रूव हो गया है, और पुलिस को दिए गए बयान ट्रायल के लिहाज से बेकार होते हैं। पुलिस आईओ को दिए गए बयानों को बयान 161 भी कहते हैं। कानून यह है कि 161 के बयान से कभी कोई बात प्रूव नहीं की जा सकती है, इनका उपयोग केवल कोर्ट बयानों को काटने के लिए ही किया जा सकता है। तो इन पर सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि यह बात तो सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को यह नहीं बताया था कि शादी का वादा कब कब किया गया था। ये सवाल तब उपयोगी होते हैं जब कोई गवाह किसी बात को पहली बार कोर्ट में आकर कहता है। यदि यह कहता है कि मैंने आईओ को बताया था, तो आप बयान 161 सामने करके कन्फ्रंट कीजिए, दिखाओ कहां बताया था। चालाक गवाह यहां भी चालाकी करके उत्तर बताने की कोशिश करते हैं कि 9/7/2013 और 17/9/2013 को बताया था, लेकिन उन गवाहों को तत्काल रोका जाए कि हमने उत्तर तो पूछा नहीं है भैया गवाह, हमने तो सिर्फ यह पूछा है कि आईओ को बताया था या नहीं बताया था। आप देख रहे हैं कि हम गवाह को किसी भी सवाल के जवाब में दो से अधिक विकल्प दे ही नहीं रहे हैं, एक वह जो रिकॉर्ड पर लिखा हुआ है और दूसरा वह जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व मौजूद नहीं है। तो गवाह की लक्ष्मण रेखा खींचकर तब हम क्रॉस शुरू करते हैं। कुछ गवाह तो मक्कार भी होते हैं, वे कहते हैं कि हाँ आईओ को बताया था लेकिन आईओ ने रिकॉर्ड पर नहीं लिखा, तो इस उत्तर को आप केस को बिगाड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन केस इसके उत्तर से बिगाड़ सकता है। यहाँ गवाह से एक अगला सवाल पूछिए, और ये सवाल ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन वे सवाल होते हैं जिनमें हम गवाह को पूरी छूट देते हैं कि वह जो चाहे वह बोले। आपको पूछना चाहिए, गवाह साहब क्या आप वह कारण जानते हैं कि आपके बताने के बावजूद भी आईओ ने फला तथ्य रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लिखा था। इसके बाद जो भी उत्तर आएगा वह प्रोसिक्यूशन को तबाह कर देगा। आप भी जानते हैं कि गवाह इसका क्या उत्तर देगा। जब गवाह के बचने के, कोर्ट को भटकाने के सब रास्ते बंद हो जाएं, तब उस गवाह को सजेशन दिया जाना चाहिए। गवाह के कोर्ट में घुसते ही उसको सजेशन देने का लालच एडवोकेट को कभी नहीं करना चाहिए। जितने केसेस का क्रॉस बिगड़ता है उसमें 3/4 क्रॉस केवल ऐसे ही अनियंत्रित सजेशन से बिगड़ते हैं। सजेशन हमेशा कुछ सवाल करने के बाद सवाल का ओनस बदलने के लिए गवाह को दिए जाते हैं। सजेशंस बहुत कीमती होते हैं, कानूनी दृष्टि से उनका बड़ा महत्व होता है, उनको प्रयोग केवल बुद्धिमत्ता के आधार पर करना चाहिए। जिस केस पर हम विचार कर रहे हैं उस केस में महत्वपूर्ण सजेशंस इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। मेरा कहना है कि दोनों तारीखें 9/7/2013 व 17/9/2013 झूठी व मनगढ़ंत हैं, इसीलिए पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को ये तारीखें कभी नहीं बताई थी। और फिर आप गवाह के चेहरे के बदलते हुए रंगों को देखिए, आपको पता लग जाएगा कि गवाह डूब रहा है। अगला सजेशन हो सकता है, मेरा कहना है कि आप कोर्ट को शादी के वादे की झूठी तारीखों से गुमराह करना चाहती हैं, इसीलिए 9/7/2013 व 17/9/2013 की तारीखें आज पहली बार कोर्ट के सामने बताई हैं। सजेशन में एक कथन होता है और कथन के साथ साथ उसका कारण भी होता है।
तो ये दोनों बातों का कॉम्बिनेशन एक सजेशन में होता है और यही कॉम्बिनेशन गवाह के सामने रखा जाता है। शादी के वादे की तारीखों के संबंध में आप देखेंगे कि यह गवाह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है। हमने इसे विकल्प मूलक प्रश्न पूछे, उत्तर में केवल दो विकल्प दिए। एक विकल्प हमेशा रिकॉर्ड वाला होता है जो रिकॉर्ड पर लिखा हुआ है और दूसरा विकल्प काल्पनिक होता है। गवाह को मजबूर होकर रिकॉर्ड वाला विकल्प चुनना होगा। यदि वह काल्पनिक वाला विकल्प चुनकर उत्तर दे तो गवाह को एकदम से रिकॉर्ड के साथ कन्फ्रंट किया जाए, उसको कन्फ्रंट करके पूछा जाए दिखाइए रिकॉर्ड पर यह उत्तर कहां है, और वह गवाह नष्ट हो जाएगा। यदि आप इस तरह से ही क्रॉस कर पाते हैं तो आप भी यह कह पाएंगे कि जैसे कोई परफेक्ट क्राइम नहीं होता है वैसे ही कोई परफेक्ट झूठा गवाह भी नहीं होता है। हर झूठा गवाह आखिरकार टूट ही जाता है। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें, वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।